क्वेश्चन नंबर 7 की सी पार्ट है। सी पार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ख्याल है दोस्तों? आज जो ये वीडियो बनने जा रहे हैं वो CSS 2018 के क्वेश्चन पेपर जनरल साइंस एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट के बारे में बनने जा रहा है, जो कि हमने इससे पहले डायग्राम में बताया कि भाई डायग्राम में क्या दिया और क्या पूछ रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर एक नज़र दौड़ाते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं दोस्तों, इफ द फैमिली स्पेंड्स RS 11,600 ऑन यूटिलिटीज, हाउ मच इज द फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मालूम करें, अगर फैमिली 11,600 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 11,600 खर्च कर रहा है, तो दोस्तों इसकी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा वो हमें मालूम करके बता दें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्स। हमने टोटल एक्सपेंडिचर को अननोन ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें मालूम है दोस्तों यूटिलिटीज़ पर कितना परसेंट खर्च हो रहे। दोस्तों यूटिलिटीज़ पर हमें 8% दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8% है। चलो इसको एक दफ़े इस तरह लिखते हैं 8%, ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है, 8% ऑफ एक्स। इतने यानी ये हमें एक्स अभी तक मालूम नहीं किया है हम लोगों ने। हम लोग सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं एक्स यानी इतने में से 8%, एक्स में से 8%, ठीक है, एक्स में से 8% खर्च हो रहा है 11,600, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 8% है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 8/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स देन इज इक्वल टू 11,600। बिल्कुल आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई लगाया। अब यहाँ पर ये जो 100 है 8 के नीचे डिवाइड हो रहा है, बॉर्डर पार करके उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11,600 से। तो हम लोग कर रहे दोस्तों 8 बच गया क्या एक्स देन इज इक्वल टू, ये तो उस तरफ जाएगा, अभी बॉर्डर पार के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11,600 देन मल्टीप्लाइड बाय 100 इस तरह दोस्तों। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें 8x इज इक्वल टू, जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 11,600 को हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही 20 11,600 में ऐड कर दे, हमारे आंसर आएगा 11,600 में हम लोगों ने 20 ऐड कर दिया। अब ये कितने बन गए दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख। अभी ये बन गए दोस्तों 11,60,000। तो आगे कर लेते हैं इसको, यहाँ पर बच किया गया 8x इज इक्वल टू 11,60,000। अब ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स के साथ 8, तो उस तरफ बॉर्डर पार के उस तरफ जाके ये 11,60,000 से डिवाइड हो जाएगा। यही मैथ का उसूल है, कानून है, ला है, कि भाई जो चीज़ यहाँ पर इक्वल्स इस तरफ यानी बॉर्डर से इस तरफ या उस तरफ डिवाइड में है तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है आके डिवाइड हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे पहले ये हमारे पास 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई लगाया। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 11,60,000 डिवाइड बाई 8 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से कैंसिलेशन शुरू कर दो, 8 एकम 8 11 से 8 गया, कितने बच गए 3, इसको दो, फिर 8 चौका 32 4 इधर आएगा, 36 से 32 गया तो कितने बच जाएंगे 4, इसको दो, फिर 8 पंजे 40 40 8 पंजे 40
पूरा आ गया। अब कितने जीरो बच गए दोस्तों? तीन। ये तीन जीरो बच गया, इनको ऊपर शिफ्ट कर दो, इनको ऊपर शिफ्ट कर दो। अब एक्स हमारे पास दोस्तों कितना है? 145 देन ट्रिपल जीरो, यानी 145,000, 145,000 टोटल। इफ द फैमिली स्पेंड आर एस 11,000, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 145,000 है टोटल एक्सपेंडिचर। ये है तो दोस्तों, यही है हमारे आंसर, यही है। क्या पूछ रहा था दोस्तों? इफ द फैमिली स्पेंड आर एस 11,600 यूटिलिटीज पर सिर्फ खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना होगा इसका एक्सपेंडिचर, यानी टोटल कितना खर्चा होगा ऑन यूटिलिटीज? हाउ मच इज द फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा? तो हम लोगों ने लाया दोस्तों 145,000 है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो CSS 2018 क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट के बारे में था। इसके बाद लाएंगे डी पार्ट, वो भी थोड़ा सा लेंथी है पर इजी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, अगर आपके लिए बेनिफिट हो गए वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके बाद लाएंगे दोस्तों इसकी डी पार्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।